अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं एआर व्लॉग्स। और मैं 2022 की पहली वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ और आज जनवरी 1 है। और आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे, फैमिली ट्रिप पे। और फैमिली ट्रिप इस तरह है कि हमारा वन नाइट स्टे है एक जगह पे और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे घर। इस ट्रिप को इन्जॉय करने के लिए आप लोगों को मैं इस जर्नी पे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तो इन्जॉय करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई थिंक मुझे वीडियो के 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, Day 1 और Day 2। और सो स्टे ट्यून्ड, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। गैस स्टेशन पे हम लोग अभी रुके हैं, अपडेट है और थोड़ी सी हमने ब्रेक करनी है, 10 मिनट्स का स्टे और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ये हमने कॉफ़ी ली है, ये वाली मोका है और ये फ्रेंच वनीला है। हम एंजॉय करेंगे अपनी कॉफ़ी। को हमने स्टार्ट किया था सैन होजे से और सैन होजे से हमें लगा है 2 आवर। सैक्रामेंटो एक डेस्टिनेशन थी जो पहले हमने रेस्ट एरिया लिया था, वहाँ पे हम रुके हैं और उसके बाद हमें 2 आवर मोर लगे हैं ये स्नो देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्नो देख रहा हूँ, मैंने पहले जिंदगी में कभी स्नो नहीं देखी। ओ, ये मेरे पीछे सारी स्नो हुई हुई है। इस जगह का नाम है लेक टाहो। ये जैसे पाकिस्तान में मरी का इलाका होता है वैसी जो जगह है। यहाँ पे रोड्स माउंटेन पे जाती हैं, आगे एक लेक है टाहो, तो उसका नाम है ये। लेकिन स्नो पहले ही शुरू हो गई है। 2-3 दिन पहले यहाँ पे ये फ्रीवे जो जिस पे हम आए ये क्लोज थी क्योंकि हैवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ स्टॉर्म आया हुआ था और वार्निंग भी थी स्टॉर्म की। तो मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह मौसम हो जाएगा कि धूप निकलेगी और मतलब स्नो का ये हाल हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी पहुंच गए हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमें 50 मिनट लगे हैं स्नो यहाँ पे स्नो देखने के लिए। हम पहले एक जगह पहुँचे थे, उसके बाद हम दोबारा आ गए स्नो देखने यहाँ पे। और ये मेरे पीछे एक रोड जा रही है, यहाँ पर ये सारा स्नो वाला है। इतनी स्नो हुई है, मैंने पहले कभी स्नो नहीं देखी। दो टाइप की स्नो होती है मैंने सुना था, जो एक होती है जो बिल्कुल हार्ड होती है स्नो और एक बहुत ही नरम होती है। तो ये स्नो जो है ये काफ़ी हार्ड हुई हुई है, ये देखें ये इस तरह की स्नो है। और जो स्नो बिल्कुल नरम है वो वहाँ पे है बिल्कुल वाइट वाली। और रोड बिल्कुल क्लीन है यहाँ पे, रोड पे कोई स्नो नहीं पड़ी हुई इस वक्त हमने देखा था। एक इक्विपमेंट जो था वो पीछे साफ़ कर रहा था स्नो। तो ओह माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग यार। इतनी चिल और फ्रीजिंग हवा है यहाँ पे कि मुझे अपनी कैप पहननी पड़ी, टोपी। वहाँ पे बर्फ़ ऐसे जमी हुई है, पानी जमा हुआ है हर तरफ, स्नो स्नो हुई पड़ी है। मेरे पीछे बहुत वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा।
अच्छा एक जगह हम और रुके हैं, इतनी कुछ स्नो पड़ी हुई है, दरख्त के ऊपर स्नो ऐसे ही पड़ी हुई है और इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ पड़े हुए हैं। एक जगह हमने पीछे से पूछा था कि ना ये बर्फ हटाते कैसे हैं रोड से, बर्फ हटाने के लिए रोड से ना जो बड़ी बड़ी होते हैं उनके पास एक ट्रक होता है और ट्रक के आगे ना एक क्लिपर सा लगा होता है, वो बर्फ़ को साइड पे करी जाता है। जैसे कि ये जो बर्फ़ मेरे साथ है ना, ये वाली पड़ी, ये बर्फ़ इस वक्त काफ़ी गंदी हुई, इसको मिट्टी लगी हुई है, मीन्स कि ये रोड पे थी, अभी इन्होंने हटाई है। ये एक ट्रक जा रहा था मेरे पीछे, ये वाला, ये बर्फ़ को हटाता है और इतना स्लिपरी यहाँ पे होया हुआ है माहौल, एकदम जैसे पैर ना बिल्कुल स्लिप करने लगा हो। ये स्नो यहाँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, चेक करता हूँ मैं, काफ़ी हार्ड है ये स्नो, इसको नहीं मैं पकड़ सकता क्योंकि जमी हुई है। और एक दूसरी बात ये, अगर आप स्नो वाले एरिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको या तो कार चाहिए 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव या 4-व्हील ड्राइव। सिंगल कार यहाँ पे नहीं चलेगी क्योंकि हमने पहले पूछा था अपना पता क्या था, हमारे पास एक कार है वो 4x4 है और उसमें स्पोर्ट वाला मोड भी है और ऑल व्हील ड्राइव है, तो वो हमारी कार यहाँ पे पायदार है। वरना अगर आपने दूसरी कार लानी जो 4x4 नहीं है तो उसके लिए आपको व्हील चेन चढ़ानी पड़ती है टायरों पे, तो चेन चढ़ा के फिर आप आगे आ सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे ट्रक्स और जीप्स हैं और जिनके टायर बहुत बिग होते हैं, जॉइंट टायर होते हैं, जो चल सकें पहाड़ आराम से चढ़ सकें और बर्फ़ पे गाड़ी गिरना और फिसलना, ये सीन है। यहाँ पे कब्बे बैठे हैं बर्फ़ के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के, और ब्लैक कलर का जो कब्बा है वो यहाँ पे वाइट के ऊपर बैठा, अच्छा लग रहा है काफ़ी। इवन तो इतनी सनशाइन निकली हुई है लेकिन फिर भी बर्फ़ ऐसी स्टील की स्टील यहाँ पड़ी हुई है। हम 3000 एलिवेशन पे हैं और पहाड़ बहुत ऊंचाई पे हैं हम लोग इस वक्त, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता हम लोग आगे जाएंगे क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं अकेला ट्रैवल नहीं करता, मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो इस वजह से उम्मीद करता हूँ कि स्नो वाला व्लॉग आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा क्योंकि मैंने पहली दफ़ा तो कभी स्नो नहीं दिखाई, ना मैंने खुद देखी है और ना मैंने व्लॉग पर दिखाई है कभी स्नो। ये पीछे स्नो पड़ी है मेरे, इतनी एवरीवेयर वाइट होया पड़ा है, और जो है दरख्त यहाँ पे वो स्पेशल होते हैं पाइन कोन वाले ट्रीज, तो ये जो पाइन कोन वाले ट्री हैं यहाँ पे, ये इनकी स्पेशलिटी है। दौरान डे वन अभी मेरा चल रहा है और जो होल ट्रिप है हमारा जर्नी, उसमें डे वन पे हम लोग अभी लंच के लिए यहाँ रुके हैं, रेस्टोरेंट का नाम है हवेली ग्रिल और इनका हमने खाना खाया है लंच। बफे नहीं है इनके पास इस टाइम पे, बफे ओनली संडेज़ को होता है और बफे की प्राइस है $20, और जो अभी हमने रेगुलर खाना खाया है वो हमने ऑर्डर किया था, उसमें हमने ऑर्डर किया था चिकन तंदूरी लेग ब्रेस्ट और तंदूरी सामान जो रिलेटेड, और चिकन सीख कबाब और साथ तंदूरी नान,
खाना इनका बहुत अच्छा था, उनकी रेटिंग थी 4.5 आउट ऑफ 5 में से, आई थिंक वेरी बेस्ट रेटिंग है इस तरह के रेस्टोरेंट की। और बे एरिया जहाँ से हम लोग आए हैं यहाँ पे, ऐसा रेस्टोरेंट अभी तक हमने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, पर टेस्ट इनका पाकिस्तानी कुजीन और इंडियन कुजीन मिक्स, तो हम एशियन जैसे लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आपने भी ट्राई करना तो मैं लिंक डाल दूंगा लोकेशन का, यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं। Oh,